हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। दिवाली का टाइम है और अक्सर हम ये सोचते हैं कि मार्केट से हम कौन सी मिठाई लेकर आए, बट आपको इस बात का पता होगा कि दिवाली के टाइम पे या बाकी फेस्टिवल्स के टाइम पे मिठाइयों में बहुत ही ज्यादा मिलावट की जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो इस दिवाली आप भी मेरी तरह बनाएं घर पे गुलाब जामुन। हमें चाहिए मावा, मैदा, चीनी, पानी, हरी इलायची और घी। सबसे पहले आप एक ऐसा बोल ले लें और उसमें डाल दें मावा। ये 200 ग्राम मावा है जो कि मुझे मार्केट से मिला है 60 रुपीस में। इस मावा को हम पहले अपने हाथों के साथ अच्छे से मसलते हुए सॉफ्ट करेंगे और इसके जो लम्स हैं वो भी दिखने बंद हो जाएं, तब तक आप इसे अच्छे से मसलते रहें। जो मावा है वो अच्छे से स्मूथ हो चुका है, फिर आप उसमें डाल दें मैदा। ये 20 ग्राम मैदा है। अगर आपके पास मैदा नहीं अवेलेबल है घर पे, तो ये 20 ग्राम मैदा आपको 3-4 रुपये में मार्केट से मिल जाएगा। इसे भी आप अच्छे से मिक्स करते हुए मैश कर लें और डो की फॉर्म में ले आएं। अब इन दोनों का जो डो है वो बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो डो है काफ़ी स्मूथ है। अब आप इस डो को 15 से 20 मिनटों के लिए अपने हाथों से अच्छे से मसलें और इसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करें। इसको सॉफ्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जब आप गुलाब जामुन के लिए बॉल्स बनाएंगे तो उनमें बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी और उनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप इसे अच्छे से पहले नीट कर लें। नीट करने के बाद अब आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें और बॉल्स बनाते टाइम इनमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। अगर तो इनमें क्रैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि इनमें जो मैदा है वो ज़्यादा है। सो आप इसमें और मावा डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने हाथों पे थोड़ा सा घी लगा के इसे दोबारा आप नीड कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। सो आप देख सकते हैं जो बॉल्स हैं में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। ऐसे आप सारी बॉल्स रेडी कर लें। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी चाशनी। उसके लिए आप एक ऐसे बर्तन में डाल दें पानी और पानी के साथ साथ आप इसमें डाल दें चीनी। चीनी घुलने तक आप पहले इसे अच्छे से बॉईल कर लें। इसे आप मीडियम फ्लेम पे पहले उबलने दें और जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन या थिकनेस आने तक और इसे बॉईल करते रहें। आप देख सकते हैं इसे मैंने काफ़ी टाइम बॉईल किया था और उसके बाद इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ चुका है। सो अब आप इसे एकदम लो फ्लेम में रख कर दें और फिर आप इसमें डाल दें कुटी हुई हरी इलायची। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है चाशनी में। इसे आप लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दें। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे घी गरम किया है। सो घी जो है आपका वो मीडियम हॉट हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इसमें आप जितनी चाहें उतनी आप गुलाब जामुन की बॉल्स डाल दें और इन बॉल्स को आप अच्छे से हिलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने तक चारों तरफ से कुक कर लें। आप कोशिश करें इन्हें आप एकदम लो फ्लेम पे ही तलें। सो आप इन्हें अच्छे से पलट पलट के सारी तरफ से ब्राउन कर लें। आप चाहते हैं तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3/4 ऑयल यूज़ किया है या घी यूज़ किया है। जैसे ये ब्राउन हो जाएं तब आप इन्हें फटाफट चाशनी में रख दें ऐसे निकाल के और चाशनी को आप बंद कर दें जब आप इसमें गुलाब जामुन डालें। सो ऐसे ही आप अपने सारे गुलाब जामुन रेडी कर लें। सो जो यहाँ पे गुलाब जामुन है वो सारे बनके रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें चाशनी में 15 से 20 मिनट के लिए डुबो के ऐसे ही रखें और आप देख सकते हैं जो गुलाब जामुन है वो कितने अच्छे बने हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। सो आप इन्हें ढक के 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 15-20 मिनट के बाद हमारे गुलाब जामुन बनके बिल्कुल रेडी हैं। सो आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी, आप इसे ट्राई करें और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर करें, क्योंकि आप इस चैनल